दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के टायर के बारे में कि गाड़ियों में टायर क्यों लगे होते हैं, टायर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, टायर किस मटेरियल के बने होते हैं, टायर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर किस प्रकार के टायर यूज़ किए जाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि गाड़ियों के टायर हमेशा ही काले रंग के क्यों होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पता चल जाए टायर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको टायर के बारे में पता चल जाए। फ्रेंड्स, व्हीकल के व्हील के रिम पर रबड़ के टायर ट्यूब फिट किए जाते हैं। ये टायर गाड़ी को कई किलोमीटर तक चलाते हैं किसी भी सीजन में, ऑफ रोड या ऑन रोड कंडीशन में। अब बात करते हैं टायर के पर्पज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, टायर गाड़ी के बोझ को उठाते हैं, ब्रेक लगाने पर गाड़ी को रोकने में हेल्प करते हैं, गाड़ी की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रोड शॉक को भी एब्जॉर्ब करते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए फ्रिक्शन करते हैं जिससे अच्छी ग्रिप मिलती है गाड़ी को चलाने, ब्रेकिंग और गाड़ी को मोड़ने के लिए। तो अब बात करते हैं टायर की नेसेसिटी के बारे में कि टायर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी गाड़ी में। सेफ्टी के लिए, व्हीकल को कंट्रोल करने, व्हीकल का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो अब बात करते हैं कि टायर किस मटेरियल के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, टायर सिंथेटिक रबड़ या नेचुरल रबड़ के बने होते हैं। इन रबड़ के साथ रेयन, नायलॉन, टेरिलीन, ग्लास फाइबर, स्टील वायर, कार्बन ब्लैक और कई केमिकल मिलाए जाते हैं टायर बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं टायर की कॉस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, टायर की कॉस्ट टायर के साइज़, क्वालिटी और टाइप पर डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं टायर के पार्ट्स के बारे में। टायर ट्रीड, वीड एंड साइड वॉल। टाइप्स ऑफ टायर, सॉलिड टायर एंड न्यूमेटिक टायर। सॉलिड टायर में हवा नहीं भरी जाती, ये सॉलिड होते हैं। इनका यूज़ बैलगाड़ी और बच्चों की साइकिल में देखने को मिल जाएंगे ऐसे टायर। ऑटोमोबाइल में इनका यूज़ नहीं किया जाता। न्यूमेटिक टायर, जिन टायरों में हवा भरी जाती है उन टायरों को न्यूमेटिक टायर कहते हैं। ऑटोमोबाइल में न्यूमेटिक टायर का यूज़ किया जाता है। टायरों में भरी हवा ही गाड़ी के वेट को उठाती है। न्यूमेटिक टायर दो प्रकार के हैं, ट्यूबलेस टायर एंड ट्यूब टायर। टाइप्स ऑफ टायर अकॉर्डिंग टू एयर प्रेशर। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल में एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के टायर यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाई प्रेशर टायर, लो प्रेशर टायर एंड एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर। तो पहले बात करते हैं हाई प्रेशर टायर की। तो इन टायरों में एयर का प्रेशर अधिक रखा जाता है। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ट्रक, बस जैसी बड़ी गाड़ियों में इनका यूज़ किया जाता है। लो प्रेशर टायर, इन टायरों में एयर का प्रेशर कम रखा जाता है। इनका यूज़ कार, बाइक्स, छोटी गाड़ियों में इनका यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा लो प्रेशर या वैलून टाइप टायर। फ्रेंड्स, ये टायर साइज़ में काफ़ी चौड़े होते हैं, इनमें एयर का प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। इन्हें वैलून टाइप टायर भी कहते हैं। इनका यूज़ अर्थ मूविंग और रेतीले स्थानों पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें भी वैलून टाइप टायर लगे होते हैं। और आपने कुछ गाड़ियों में भी देखे होंगे वैलून टाइप टायर, यानी कि चौड़े टायर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल में काले रंग के ही टायर क्यों यूज़ किए जाते हैं। अगर नेचुरल रबड़ के टायर ऑटोमोबाइल में यूज़ किए जाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो टायरों की मजबूती के लिए इन रबड़ के साथ कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, जिससे टायर काफ़ी टाइम चलते हैं, जिसकी वजह से टायरों का कलर काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि टायर काले क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।